नमस्कार प्यारे साथियों फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ के एमसीक्यू की ये एमसीक्यू हमारे सीटी एग्जाम और हमारे रेलवे के जितने भी आने वाले एग्जाम है जैसे कि लोको पायलट और ग्रुप डी की भर्ती और सीई टी की भर्ती में ये हमारा काफी कारगर साबित होगा ठीक है इसी में हम रीजनिंग और मैथ के इक्विलेंट क्वेश्चन सारे लेके आए हैं ठीक है तो इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि है प्रतिशत से ए की आय बी की आय से 25 प्रतिशत अधिक है कितनी अधिक है 25 प्रतिशत तो हम क्या करेंगे इनका रेशो निकालेंगे रेशो निकालेंगे तो रेशो कैसे निकालते हैं यह हमने हुआ है। अगर हम बी की आय सौ रुपए मानते हैं तो ए की आय कितनी हो जाएगी पच्चीस प्रतिशत अधिक है एक सौ पच्चीस हो जाएगी सिंपल सी बात है तो हम हमारा रेशो में कितना आ गया पांच अनुपात चार अनुपात चार हमारी ए और बी की रेश्यो आ गई उसके बाद क्या बोला एक बी की आय एक की आय से कितने प्रतिशत अधिक है तो हम अब हमें है अंतर निकालना है? अंतर दोनों में कितने का है एक का और किसकी आय से कितने प्रतिशत अधिक है किसकी आय से अधिक है एक की आय से तो हम क्या करेंगे A की आय कितनी है पांच मल्टीप्लाई सो कैंसिल आउट करेंगे तो बीस प्रतिशत ये हमारा बीस प्रतिशत आ गया बीस प्रतिशत हमारा क्या हुआ है बी है, है? तो हमें हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा यह आंसर नहीं मिलता बीस प्रतिशत तो हम क्या करेंगे हमें इसमें भिन्न भिन्न में बिन में दिया हुआ है। बिन में दिया हुआ हुआ है है तो बीस प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम डिवाइड सो कर देंगे डिवाइड सो करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू जीरो हमारा फर्स्ट आंसर सही रहेगा तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अमित एक सेठ से अमित एक सेठ से चक्रवर्ती ब्याज <laughs> सीआई का क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज एक से, से नौ हजार रुपए उधार लेते हैं कितने रुपए नौ हजार रुपए पांच परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से तो दो वर्षों बाद देने हैं उसको तो वो कैसे देगा चक्रवर्ती ब्याज हमें पता है किस पर देते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज रखते हैं इसपे ठीक है इस पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर का कितना ब्याज बनेगा नौ हजार का पांच परसेंट के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा तो हमें क्या पता चल रहा है दो जीरो से दो जीरो कैंसिल नौ पांच पैंतालीस साढे चार सौ रुपए नौ हजार का पांच परसेंट के हिसाब से एक साल का ब्याज साढ़े चार सौ दूसरे साल पर चलते हैं दूसरे साल पर नौ हजार का पांच परसेंट के हिसाब से वही साढ़े चार सौ का ब्याज कितना आ गया साढ़े चार सौ अब हमारा हाँ फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है उसी के ऊपर ब्याज भी लगेगा तो फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या है साढ़े चार सौ इस पे कितने परसेंट के हिसाब से पांच परसेंट के हिसाब से कितना ब्याज लग रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको देखेंगे तो हमारा कितना आएगा बाईस पॉइंट पांच टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा दो बारह नौ नौ सौ बाईस रुपए का हमारा टोटल ब्याज हो गया ये क्या है टोटल दो वर्षों का ब्याज अब हमें क्या दिखा है अमित सेठ को कितनी रकम वापिस देता है रकम मूल के साथ ब्याज भी देगा मूल कितना है नौ हजार रुपये और ब्याज कितना है नो नो सौ बाईस रुपये पचास पैसे तो ये कितना होगा टोटल नौ हजार नौ सौ बाईस रुपए पचास पैसे बी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहेगा ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सुमित अपने दोस्त राहुल को छह प्रतिशत वर्ष की दर से पिचहत्तर सौ रुपए का उधार देता है पिछहत्तर सौ रुपए उधार देता है तो ये एसआई SI का क्वेश्चन आ गया तो साधारण ब्याज कितना होगा आठ वर्षों का वो बताना है तो एसआई SI के लिए हमें पता है मूलधन दर समय मूलधन हमारा दर और समय आठ वर्ष डिवाइड बाय सो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा पिछहत्तर आठ छो कितना आ गया छत्तीस छत्तीस हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अमर अपना टीवी 1540 रुपए में बेचता है कितने बेच रहा है 1540 रुपए में ये तो होगी एक बात 1540 में बेच दिया भाई 30% की हानि होती है 30% की हानि होती है उसे किस दर पर टीवी बेचना चाहिए ताकि 30 प्रतिशत का लाभ हो तो हमें क्या बता रहा है हमें लाभ कमाना, कमाना है इस पे लाभ कमाना है तो 30 प्रतिशत को 130 हो जाएगा हानि हो रही है तो 70 हो जाएगी कैंसिल आउट करेंगे तो 7 से 22 पे गया आंसर कितना आ जाएगा 13 धुणी छब्बीस और दो अट्ठाईस अट्ठाईस सौ साठ हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की परिमाप क्रमश एक सौ छप्पन सेंटीमीटर और 40.8 पॉइंट आठ सेंटीमीटर है यदि बी सी उन्नीस पॉइंट पांच सेंटीमीटर और क्यू आर सेंटीमीटर है तो एक्स का मान ज्ञात करें एक्स का मान ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए हम देखते हैं बी सी का परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप इक्वल है भुजा बी सी डिवाइड बाय क्यू आर के ये हमें दे रखा है वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की कितनी दे रखी है 156 by Equal किसके बी सी कितनी दे रखी है उन्नीस पॉइंट पांच और क्यू आर हमें एक्स दे रखी है क्यू आर की हमें बताना है तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे कितने पे जाएगा तो ये दस पे गया और ये तीन पे ठीक है उसके बाद इस पॉइंट का एक जीरो नीचे आ जाएगा ठीक है सोल्व करेंगे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा पांच पॉइंट आठ पांच हम सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा जो कि हमारा रहेगा कौन सा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं पंद्रह सेंटीमीटर बीस सेंटीमीटर है हमें पता है समकोण त्रिभुज लंब आधार करण लंब आधार और करण ठीक है करन का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हमने एक फॉर्मूला निकाला था ठीक है उसी को हमने देखा था कि उसमें क्या होता है तीन चार पांच अगर लंब तीन है आधार चार है तो करण क्या होगा पांच होगा ये हमने देखा तो इसी को हम देखते हैं और ये कितना हो जाएगा अब हम देखते हैं इनमें समानता तीन में पांच का मल्टीप्लाई करते हैं तो पंद्रह आता है चार में पांच का मल्टीप्लाई करते हैं तो बीस आता है और अगर हम पांच में पांच का मल्टीप्लाई करेंगे तो पच्चीस आएगा हमारी तीसरी भुजा कौन सी आएगी गई पच्चीस अगर हम इस फॉर्मुले से भी करेंगे तो हमारी तीसरी भुजा कितनी आएगी पच्चीस ही आएगी तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई तो हम परिमाप बता सकते हैं परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग तो तीनों बुझाएं क्या है पंद्रह बीस और पच्चीस पंद्रह बीस और पच्चीस हमारी तीनों भुजाएं आ गई अब अब हमें बताना है परिमाप इसका परिमाप बताएंगे तो बीस और पच्चीस पैंतालीस पैंतालीस और दस साठ पैतालीस और सॉरी पंद्रह साठ साठ हमारा साठ सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा यह हो गया हमारा क्वेश्चन अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्लू और कालू एक खाई खोदने में साठ दिन का समय लेते हैं साठ दिन का समय लेते हैं बिल्लू उस काम को अकेले 120 दिन में पूरा करने का दावा करता है तो उसी काम को कालू कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये हमारा क्वेश्चन है एक खाई दोनों बिल्लू और कालू एक साथ खोदते हैं बिल्लू और कालू साठ दिन ठीक है और बिल्लू उसको अकेला कितने दिन में एक सौ बीस दिन तो टोटल काम कितना हो गया एक सौ बीस दिन का क्योंकि एल्शियम लेते हैं इसमें एल्शियम लेंगे तो एक सौ बीस दिन का दोनों साथ मिलकर दो रेशों का काम करते हैं और और अकेले एक रेशो का अब हमसे क्या पूछा है कालू कितने दिन में काम करेगा टोटल काम कितना है 120 दिन का रेशो में अंतर कितने का आ रहा है एक का तो कितने दिनों में करेगा 120 दिनों में 120 दिनों में कालू हमारा काम करेगा ठीक है 120 दिनों में कालू पूरी खुदाई करेगा खाई की अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ठीटा प्लस थीटा टिक्नोमेट्री का क्वेश्चन है साइन ठीटा प्लस को स्टीटा इक्वल सेवन पॉइंट सात बटा पांच ये हमारा क्वेश्चन है अब हम इसको सोल्व करते हैं साइन थीटा प्लस कोस किसके दे रखा है सात बटा पांच हमें निकालना क्या है साइन थीटा डॉट थीटा थीटा और थीटा मल्टीप्लाई निकालना है अब हमें दिख रहा है एक हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा कोस ठीठा थीटा. कोसके है सात का स्क्वायर उनचास पांच का पच्चीस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना हो गया एक वन प्लस टू साइन थीटा कोस ठीठा को फोर्टी नाइन बाई ट्वेंटी फाइव अब हमें क्या दिख रहा है ये फॉर्मूला आ गया हमारा हमें इसमें साइन थीटा और कोस थीटा की मान बताना है तो हम क्या करेंगे टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल 49 25। ये 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा कितना बचा 24 बटा पच्चीस अब 24 बटा पच्चीस हमारा टू साइन थीटा का और कोस थीटा का मान आ गया टू साइन थीटा कोस थीटा का मान आ गया अब हमें टू को हम क्या करेंगे इस तरफ मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल चौबीस बट्टा चौबीस बट्टा पच्चीस इंटू पच्चीस इंटू दो कितना हो जाएगा दो से बारह पे कितना आ गया बारह बट्टा पच्चीस बारह बट्टा पच्चीस किसका आंसर आ गया ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और का दिशाओं में चल रही है एक दूसरे के विपरीत चल रही है चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और दूसरी बत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है जिस क्षण वे मिलती है एक दूसरे को जिस क्षण इस, शन इस मान लो ये, ये कोई रेलगाड़ी आ रही है और ये भी कोई रेलगाड़ी आ रही है ये इस पॉइंट पर मिलेगी एक दूसरे को वे एक दूसरे से पूरी तरह स्पष्ट होने में कितना समय लगेगी एक दूसरे को स्पष्ट मतलब पार होने में कितना समय लेगी ये हमें बताना है तो हमें गाड़ियों की लंबाई दे रखी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल 121 प्लस निन्यानवे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 220 मीटर ये होगी कुल लंबाई अब हम देखते हैं चाल चाल कितनी दी हुई है चाल हमें क्या दे रखी है चालीस किलोमीटर एक की और दूसरे की बत्तीस किलोमीटर कितनी हो जाएगी बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा यह हमारी नॉर्मल सी बात होगी अब हमें बताना है समय को समय को बताना है समय एक दूसरे को पार करेगी वही समय होगा अगर दो रेलगाड़ी एक दूसरे को यह इसका अंतिम छोर है ये इसका अंतिम छोर है और ये इसका अंतिम छोर है ये इस पॉइंट को पार करने में अंतिम छोर दोनों के एक दूसरे को क्रॉस करेगी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तभी मिलेगा तो हमें बताना है तो हमारे पास लंबाई है लंबाई का मतलब हम लंबाई को दूरी मान लेते हैं एक दूसरे की लंबाई को पार कर रही है दूरी होगी वो भी और चाल क्या बेहतर किलोमीटर प्रति घंटा तो समय दु... चाल बटा अब हमें क्या दिख रहा है बेहतर किलोमीटर प्रति घंटा है यहां पे और यहां पे मीटर में तो बेहतर को हम पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेहतर को पांच बट्टा अठारह से डिवाइड करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे अठारह चौके बेहतर कितना आ गया बीस मीटर प्रति सेकंड ये हमारा हो गया सोल्व अब हम समय को निकालेंगे समय को निकालने के लिए दूरी बट्टा चाल दूरी बट्टा चाल होगी तो हमारी समय कितना आ गया जीरो से जीरो दो से ग्यारह पे ग्यारह सेकेंड का हमारा समय आ गया एक दूसरे को पार करेगी अब हमारा ग्यारह सेकंड क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है चार नंबर ऑप्शन हमारा सही रह गया अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है चार अनुपात पांच है अभी से आठ वर्ष बाद अभी से आठ वर्ष बाद ठीक है फ्यूचर की बात हो रही है उसकी आयु का अनुपात पांच पांच अनुपात छह हो जाता है उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए वर्षों में ज्ञात करनी है तो हमें पता क्या चल रहा है अभी की आयु हम मान लेते हैं इन दोनों की पांच एक्स चार एक्स और पांच एक्स आठ वर्ष बाद तो आठ वर्ष प्लस कर देंगे कितनी हो जा रही है पांच बटा छ हो जा रही है यह हमें दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा छ चार एक्स प्लस आठ इक्वल पांच पांच एक्स प्लस आठ हो जाएगी सोल्व करेंगे चौके चौबीस एक्स प्लस आठ अड़तालीस इक्वल पच्चीस एक्स प्लस आठ पांच चालीस कैंसिल आउट करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू हमारी की आ गई आठ आठ हमारी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू आठ आ गई तो अनु की आयु कितनी हो जाएगी अनु की आयु कितनी हो जाएगी और राज की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु तो वर्तमान आयु हमारी क्या है उसके बाद आठ पांजे चालीस ये हो जाएगी चालीस वर्ष अब ये हमारा कौन सा ऑप्शन बत्तीस और चालीस ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से रीजनिंग से हमारा क्वेश्चन आ चुका है उस ये सब क्वेश्चन हमारे एस और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इनको ज्यादा फोकस करेंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है पहला है उड़ना वायु वायु में उड़ा जाता है उड़ा कहाँ जाता है वायु में तैरा कहां जाता है तैरा कहा जाता, जाता है पानी में यह हमें पता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कै नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सी को डी रहा रहे ओ को क्यू रहा रहे प्लस वन ओ पी क्यू पहले तो यहां पे प्लस वन पहले प्लस वन फिर प्लस टू फिर प्लस थ्री फिर आर को वी रहा रहे प्लस फोर प्लस मतलब हर चीज को प्लस करता जा रहा है फिर छ इस प्रकार से प्लस हो रहा है तो एम को एन बनाएगा और ए को सी बनाएगा C सब में सिमिलर है F सब में सिमिलर है हमें K इसमें फोर्थ फोर्थ में थ, में देखना में क्या सिमिलर नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा फोर्थ में कितना है H है तो हमारा क्या आएगा हमारा आ जाएगा L H के बाद एक दो तीन चार H के चार नंबर बाद एच के चार नंबर बाद क्या आता है एल आता है एल किस में दिख रहा है एल दिख रहा है लास्ट वाले में तो हमारा गया सही हो जाएगा गया हमारा इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री में चल सकता है मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री में भी चल सकता है मल्टीप्लाई मल्टी डिवाइड टू डिवाइड फोर डिवाइड फाइव ऐसे भी चल सकता है ये चलने की स्थिति हमें पता होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे इसमें चल रहा था कि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस इस प्रकार से ये चल रहा था आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा ऐसे अक्षरों का ऐसे अक्षरों के संयोजन स्यो, का चयन करें जो कि दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों क्रमानुसार रूप से रख रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा अब हमारी श्रृंखला है ये है हम पहले तो गिनते एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस इसमें फुटेज दे रखी है, या तो हमारा चार का बनेगा या पांच का रूल बनेगा चार या पांच का रूल बनेगा जो कि हमने देखा हुआ है तो चार या पांच का रूल बनेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको चार या पांच का रूल कैसे सोल्व करेंगे हमें पता चल रहा है ए बी बी पहले हम चार वाला रूल देखते हैं ए बी सी डैश उसके बाद डी ए बी डैश उसके बाद डैश बी डैश डी और बी उसके बाद डैश उसके बाद सी डी ए बी उसके बाद ये पांच वाला चार वाला रूल हमारा कैंसिल हो गया अब हम पांच वाला रूल देखते हैं ए बी सी डैश डी उसके बाद ए बी डैश डैश डी उसके बाद हम देखते हैं डैश बी डैश सी डी उसके बाद ए बी डैश सी डैश ये हमारा पांच वाला रूल हमारा काउंट हो रहा है इसमें ठीक है पांच वाला रूल काउंट हो रहा है तो ए बी सी उसके बाद डैश दे रखा है यहां पे ए बी यहाँ पे काउंट दे रखा है अब यहां पे देखो ये अभी हमें पता चल रहा है ए बी ए बी ए बी यहां पे सब में कॉमन आ रहा है इसमें भी ए बी कॉमन आ रहा है इसमें भी ए बी कॉमन आ रहा है इसमें भी ए बी कॉमन आ रहा है और इसमें डी आर है लास्ट में डी आर है और लास्ट में डी आर है मतलब ये सब चीज में रिपीट हो रहा है एक तरफ रिपीट रिपीट हो रहा है जैसे कि यहां पे सी है यहां पे पता नहीं यहां पे सी दिख रहा है सब चीज होगा ए बी का रिपीट है तो यहाँ पे ए बी आएगा यहाँ पे ए बी आ चुका है और लास्ट में देखो डी 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 सब में डी आएगा अब हम देखते हैं अब यहाँ पे सी यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी दिखेगा फिर यहाँ पे भी सी दिखेगा यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी दिखेगा हमें पता चल रहा है ए बी सी सी डी डी अब हमारा फर्स्ट में क्या है सी सेकंड में सी सी पहले सी उसके बाद सी सी उसके बाद सी डी उसके बाद सी और डी ये हमारा रिपीट हो रहा है तो हम इस इस फॉर्मूले को रिपीट हो रहा है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा सॉरी ए है यहाँ पे एक एक ए है 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 उसके बाद C, C है। ठीक है? हमारा फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है। इस प्रकार से हमें ये देखना है इसमें कॉलम बना के जोड़ा बना के पेड़ बना के ठीक है उस जोड़े के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांच आठ बीस चौतीस छिहत्तर एक सौ बयालीस ये श्रृंखला दे रखी है ये कैसे चल रही है पहले तो हम देखते हैं ये श्रृंखला है किस प्रकार की पांच दूनी दस माइनस दो कितना आ गया आठ आ गया ठीक है आठ मल्टीप्लाई दो माइनस आठ दूनी सोलह माइनस चार करते हैं तो बीस आ गया ठीक है उसके बाद बीस मल्टीप्लाई दो माइनस छ करते हैं तो चौंतीस इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है हमारी एक सौ बयालीस आ गए ठीक हाँ, बात है एक सौ बयालीस मल्टीप्लाई टू एक सौ बयालीस मल्टीप्लाई टू माइनस ट्वेल्व ये हमारा कौन सा आ गया अब ये हमारा दो सौ छियानवे आ गया हाँ ये रिपीट हो रही है सही है हमारा एक बार डबल कर रहे उसमें माइनस टू कर रहा है फिर डबल कर रहा है उसके बाद माइनस फोर इसके बाद डबल कर रहे हैं फिर माइनस सिक्स उसके बाद डबल कर रहे हैं उसके बाद माइनस एट उसके बाद डबल कर रहे है उसके बाद माइनस टेन उसके बाद डबल कर रहे हैं उसके बाद माइनस ट्वेल्व ये इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दो सौ छियान ये हमारा ऑप्शन नंबर तीन अब देखते हैं मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है मछली जल से तो चिड़िया काश से संबंधित होगी ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर रहेगा ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही और ये हमारी क्लास रिपीट रहेगी और इसी के साथ हम मैं आपसे इजाजत चाहूंगा थैंक यू धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें धन्यवाद